गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर फोर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज से हम लोग चैप्टर फाइव स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, इसमें पहला कंसेप्ट है लेंथ। व्हाट इज लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। जो लाइन सेगमेंट है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसकी बीच जो डिस्टेंस होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं। ये लेंथ की डेफिनेशन दी हुई थी बुक में, इसलिए मैंने आपको ये कराया है। आपको ये बताना चाहिए कि लेंथ क्या होता है। जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और उनके उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लेंथ। समझ आ गया? और अगर जैसे कोई कर्व है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट नहीं है, कर्व है, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, लेंथ मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है उस दूरी को हम लेंथ कहते हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस लेंथ कहलाएगी। ठीक है, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। फिर ए बी इज द लेंथ ऑफ ए बी बार। ए बी बार क्यों लगाया मैंने? क्योंकि बार किसका सिंबल है? लाइन सेगमेंट का। तो हम जो ए बी बार हमारा लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ को हम ए बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब लेंथ है तो लेंथ को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। किसी भी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसको कंपेयर की जा सकती है। तो कंपैरिजन करने की तीन तरीके हैं, तीन मेथड बताए हैं बुक में। कंपैरिजन समझते हो आप? कंपैरिजन मतलब कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है, इसको हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो अगर दो लाइन सेगमेंट गिवन हैं तो उसको कंपेयर करने के तीन मेथड बताए गए हैं बुक में। ठीक है, द वेरियस वेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स आर, नंबर फर्स्ट मेथड बाय ऑब्जर्वेशन, सेकेंड मेथड बाय ट्रेसिंग, एंड थर्ड मेथड है बाय यूजिंग अ डिवाइडर। डिवाइडर पता है आपको क्या होता है? जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है उसमें कंपास की तरह ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें दो पॉइंट होते हैं, तो उसको हम डिवाइडर बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं, ट्रेसिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं, और डिवाइडर को यूज़ करके भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को कंपेयर की जा सकती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से कैसे करेंगे? इन दिस मेथड वी ऑब्जर्व द टू लाइन सेगमेंट्स एंड गेस विच वन इज ग्रेटर और स्मॉलर। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है आपको कि दोनों लाइन सेगमेंट को हम देखेंगे। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तीन डायग्राम बना हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दो लाइन सेगमेंट बनी हुई है। इसमें हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद हम गैस करेंगे। गैस मतलब दिमाग लगाएंगे अपना और हम सोचेंगे कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व करके बताया जा रहा है, इसमें मेजरमेंट की कोई बात नहीं है, बाय ऑब्जर्वेशन हमें बताना है। तो ये फर्स्ट डायग्राम है, इसमें आप ये देख रहे हो कि ए बी की लेंथ छोटी है, दिखने से ही पता चल रहा है ए बी स्मॉलर है और सी डी लार्जर है। ठीक है, ए बी इज लेस देन सी डी और वी कैन सी डेट कि सी डी इज लार्जर देन ए बी। जो सेकेंड और थर्ड डायग्राम है इसमें बाय कंपैरिजन, बाय ऑब्जर्वेशन हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी बड़ी है, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट में तो आप बता देंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड डायग्राम जो है इसमें आप क्लियरली नहीं बता पाओगे बाय ऑब्जर्वेशन कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। ठीक है, तो इसलिए जो बाय ऑब्जर्वेशन जो मेथड है कंपेयर करने का वो उतना यूजफुल मेथड नहीं है, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, है ना। इससे आंसर एक्यूरेट नहीं आता है, मतलब एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते, सही से ही नहीं बता सकते हमेशा। अगर ज़्यादा छोटी बड़ी होगी तब तो हम बता देंगे, लेकिन अगर वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकते कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसलिए ये मेथड जो है ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है नॉट यूजफुल, इसीलिए लिखा है कि बाय ऑब्जर्वेशन ये जो मेथड है, दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि हर जगह इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह से सेकेंड मेथड है कंपैरिजन का,
बाय ट्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं कि इन दिस मेथड वी ट्रेस ए बी लाइन सेगमेंट ए बी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट। एक ट्रेसिंग पेपर आता है उसको हम उसके लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर रख देंगे और ए बी को कॉपी कर लेंगे उस ट्रेसिंग की ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। इसको बोलते हैं ट्रेस करना, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख दो और ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। अब वो जो ट्रेसिंग पेपर है, वो ट्रेस सेगमेंट ए बी है हमारा, उसको हम सी डी के ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि पॉइंट ए जो है वो पॉइंट सी के ऊपर आ जाए, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि ए बी लाइन सेगमेंट को ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद फिर वो ट्रेस लाइन सेगमेंट है उसको हम सी डी के ऊपर रखेंगे और इस हिसाब से रखेंगे कि ए जो है वो सी के ऊपर आ जाए, पॉइंट ए पॉइंट सी के ऊपर आ जाए। फिर हम देखेंगे कि पॉइंट बी अगर डी से पहले आ रहा है तब तो ए बी छोटी होगी और पॉइंट बी अगर डी के बाद आ रहा है तब ए बी की लेंथ बड़ी होगी। बहुत ही सिंपल है, समझ आ रहा है। सबसे पहले आप ट्रेस कर लेंगे एक लाइन सेगमेंट ए बी को और वो जो ट्रेस लाइन है उसको हम सी डी लाइन सेगमेंट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट सी के ऊपर आ जाए। फिर हम पॉइंट बी को चेक करेंगे, पॉइंट बी कहाँ पर है। पॉइंट बी अगर डी से पहले आ रहा है तो ए बी छोटी होगी, पॉइंट बी अगर डी के बाद आ रहा है तो ए बी बड़ी हो जाएगी। बट ये मेथड भी यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं यूज़फुल है, क्योंकि आपके पास हमेशा ट्रेसिंग पेपर अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा आप जेब में ट्रेसिंग पेपर लेके चलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस मेथड से भी कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है हर जगह, ठीक है। और इससे भी एक्यूरेट आंसर उतना आता नहीं है, ठीक है। एक्यूरेटली बता नहीं सकते हम, ये नहीं बता सकते कौन सी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। बस ये बता सकते हैं कि ये बड़ी है ये छोटी है, कितनी बड़ी है कितनी कम है क्या ज़्यादा है ये सब नहीं बताया जा सकता। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट यूजफुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है बाय यूजिंग अ डिवाइडर, ये मेथड यूजफुल है। इसमें क्या करना है कि आप डिवाइडर को ओपन करेंगे, ठीक है। उसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर को पॉइंट ए पे और दूसरे पॉइंटर को पॉइंट बी पे रख देंगे, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी है, देख रहे हैं थर्ड डायग्राम में, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड किसी को भी मेजर करना हो कोई भी ले लो, तो उसमें क्या करेंगे कि पॉइंटर को पहले आपने ओपन करना है, ठीक है, डिवाइडर को ओपन करना है। डिवाइडर को ओपन करने के बाद उसकी उसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर को पॉइंट ए पे और दूसरे पॉइंटर को पॉइंट बी पे रखना है, ठीक है। उसके बाद उस डिवाइडर को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए उसको उठाएंगे और एक पॉइंटर को हम सी पे रख देंगे, ठीक है। एंड पुट दिस डिवाइडर ऑन द पॉइंट सी एंड चेक वेयर इज द सेकेंड पॉइंटर लाइज। ये मेथड होता है, पहले हमने मेजर कर लिया एक पॉइंटर को ए पे दूसरे पॉइंटर को बी पे, फिर उस डिवाइडर को बिना डिस्टर्ब किए हम पॉइंटर के डिवाइडर के एक पॉइंट को एक पॉइंटर को पॉइंट सी पे रखेंगे और दूसरा पॉइंटर कहाँ पर लाई कर रहा है ये चेक करेंगे। अगर वो डी से पहले लाई करता है तब तो ए भी छोटी होगी और डी के बाद लाई करता है तो ए भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाती है। इसमें अगर आप ये भी पता लगाना चाहेंगे कितना छोटा है कितना बड़ा है तो हम उस डिवाइडर को स्केल के ऊपर रख देंगे तो उससे हमें लेंथ वगैरह भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूजफुल क्योंकि इससे हम एक्यूरेटली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीन मेथड हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग एंड बाय यूजिंग अ डिवाइडर। समझ आ गया होगा आप तीनों मेथड समझ आ गया आपको, चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को मेजर करना सभी बच्चों को आता ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे मेजर करते हैं, रूलर से मेजर करते हैं, है ना। दो मेथड हैं, एक तो हम रूलर से मेजर करेंगे, स्केल जिसे बोलते हैं आप। उसमें स्केल में क्या करना है, फॉर मेजरिंग ए बी, मान लो आपको ए बी लाइन सेगमेंट मेजर करना है तो क्या करेंगे, फॉर मेजरिंग ए बी प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। जो रूलर का जीरो मार्क है, जहाँ पे जीरो है रूलर का, रूलर पे जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है उसको तो हम रखेंगे पॉइंट ए पे
एंड रीड द मार्क अगेंस्ट बी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि बी पॉइंट बी जो है वो किस मार्क पे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पे आएगा उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी ए बी की, ठीक है। स्केल से मेजर करना तो आई थिंक आप सबको आता ही होगा, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सिंपल सी बात है। किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो जो स्केल का जीरो मार्क है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि उस लाइन सेगमेंट का लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो कहाँ पर आ रहा है, वही उस लाइन सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है मेजरिंग बाय रूलर एंड डिवाइडर। रूलर और डिवाइडर से कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए हमें ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको मेजर करना है, जो ये ऊपर डायग्राम में दिया हुआ है ए बी लाइन सेगमेंट, मान लो इसी को मेजर करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडर को ओपन करेंगे, इसमें दो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर को पॉइंट ए पे और एक पॉइंटर को पॉइंट बी पे रखेंगे, फिर उसको बिना डिस्टर्ब किए उठाएंगे और स्केल के ऊपर रख के देखेंगे कि वो पॉइंटर स्केल पे कहाँ कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एक पॉइंटर को जीरो पे रख दो और दूसरा पॉइंटर देखो कहाँ पर आ रहा है, तो वही उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ओपन द डिवाइडर, प्लेस द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स आर्म एट ए एंड बी, ठीक है, उसके जो पॉइंटर्स हैं उसको ए और बी पे रख देंगे। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द डिवाइडर लिफ्ट द डिवाइडर, लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर। उठाने के बाद इसको कहाँ रख देंगे, रूलर पे रख देंगे एंड देन फाइंड लेंथ, ठीक है। सबसे पहले आप ए बी को ए बी के ऊपर रख देंगे पॉइंट डिवाइडर के दोनों पॉइंटर को, एक पॉइंटर को पॉइंट ए पे और दूसरे पॉइंटर को पॉइंट बी पे रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बिना डिस्टर्ब के उस डिवाइडर को हम उठाएंगे और उठाने के बाद रूलर के ऊपर रख देंगे, ठीक है। उसमें भी एक डिवाइडर का एक पॉइंटर जो है वो जीरो पे होना चाहिए, ठीक है। रूलर के का जहाँ पे जीरो मार्क है वहाँ पे रख देंगे और फिर देखेंगे दूसरा पॉइंटर कहाँ आ रहा है, तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इतना ही कंसेप्ट है एक्सरसाइज 5.1 में। इसमें इन्होंने क्वेश्चन वन पूछा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये पता है आपको, एडवांटेज मतलब फ़ायदा और डिसएडवांटेज मतलब नुकसान कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से अगर आप लाइन सेगमेंट को कंपेयर करते हैं तो क्या इसके लॉसेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या आंसर आएगा इसमें, कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसके बारे में हम सही से नहीं बता सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, दिस इज द आंसर। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिया है इन्होंने, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर। रूलर से ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है डिवाइडर को यूज़ करना वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर रहे हैं तो रूलर को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, डिवाइडर को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, रूलर को कम अच्छा माना जाता है, ऐसा क्यों, वाई इज इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर। डिवाइडर को हम अच्छा क्यों मानते हैं रूलर के कंपेरिजन में, ठीक है। इसका आंसर ये है, इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट, डिवाइडर से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है एंड अवॉइड एरर्स, जो एरर गलतियां होती हैं वो गलतियां भी कम होती हैं इसमें, अवॉइड मतलब हटना होता है, कम होना, हटाना, ठीक है। इट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट एंड अवॉइड एरर्स, एरर कम होती हैं ड्यू टू थिकनेस ऑफ रूलर और पोजिशनिंग एरर। थिकनेस जो मोटाई होती है, रूलर जो है अलग अलग टाइप के रूलर्स आते हैं, कोई रूलर तो मोटा होता है, कोई पतला होता है बीच में से, और साइड में पतले होते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें कई बार रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ जाती है। पोजिशनिंग एरर मतलब ये है ड्यू टू एंगुलर व्यूइंग मतलब ये होता है कि हमने रूलर को रखा और हम उसको एग्जैक्टली ऊपर से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं, कहाँ से देख, एंगुलर व्यूइंग की वजह से भी उसमें कई बार एरर आ जाता है, जबकि ये सब एरर जो है ये डिवाइडर में नहीं आएगा। डिवाइडर में तो एक पॉइंटर को ए पे, दूसरे पॉइंटर को बी पे रखेंगे और फिर उसको हम स्केल के ऊपर रख के मेजर कर लेंगे, ठीक है। सो यूजिंग डिवाइडर इज़ बेटर देन अ रूलर, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि एक्यूरेट मेजरमेंट आता है और एरर कम होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे लिख लेना, ठीक है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बोला है कि थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। एक हम लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे, मान लो 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, फिर हमें एक पॉइंट सी लेना है ए और बी के बीच में, कहीं भी ले सकते हैं हम। मैंने 5 सेंटीमीटर पे एक ले लिया, ए से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी ले लिया, तो ए से सी की डिस्टेंस 5 है, तो सी से बी की डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 8 है ना। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 8 है, उसमें से ए और सी के बीच की डिस्टेंस 5 है, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, तो ये तो हमने पहले मेजर कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लैंग्वेज लिख लेना, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ए सी और सी बी इसको ऐड करके ए बी आएगा कि नहीं आएगा। ए सी की लेंथ कितनी है, 5 है, और सी बी की लेंथ कितनी है, 3 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस 3 8, और 8 किसकी लेंथ है, ए बी, यानी ए सी प्लस सी बी को ऐड करके ए बी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे यस, यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये लिख देंगे इसमें, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है, नहीं 5 में, ये डायग्राम क्वेश्चन 4 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 3 एंड ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन 3 है इसमें और क्वेश्चन 4 में मैंने लेंथ सेम ले लिया है, जरूरी नहीं है सेम लेना है, थर्ड में आप अलग भी ले सकते हो लेंथ, ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि ये आपने फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेम ही क्यों ले लिया। फोर्थ में हमें फिक्स है, फोर्थ में हमें ए सी की वैल्यू 8 ही लेनी है, ए बी की वैल्यू 5 ही लेनी है, बी सी की वैल्यू 3 लेनी है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप ए बी की वैल्यू मान लीजिए 10 ले सकते हैं, सी की वैल्यू हम कहीं पर भी ले लें, मेजरमेंट करके कहीं पर भी सी ले सकते हैं ए बी के बीच में, ठीक है। फिर बी सी की वैल्यू निकाल लो और फिर चेक करो कि ए सी और सी बी को ऐड करके ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन 4 है, इसमें बोला है ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर हैं, जिसमें ए बी 5 है और बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी 8 सेंटीमीटर है। अब ये क्वेश्चन 3 में और 4 में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन 3 में क्या है कि ए बी 8 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन 4 में क्या है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी बी की जगह सी आ रहा है अब, ठीक है, और ए बी 5 है, इसमें क्या आएगा, थर्ड में क्या है ए सी 5 है, फोर्थ में क्या है ए बी 5 है, तो बी कहाँ पर आएगा, ए बी के बीच में आएगा ना, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, जिसमें से ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 8 है, तो ए बी प्लस बी सी करेंगे तो 5 प्लस 3 8 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो बीच में है, ठीक है, पॉइंट बी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पॉइंट बी कहाँ पर लाई कर रहा है, तो हम लिखते हैं पॉइंट बी पॉइंट ए और सी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ए सी की लेंथ बड़ी है और ए बी और बी सी छोटी है, तो ए सी के बीच में ही आएगा पॉइंट बी, ठीक है, बिकॉज ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, इसमें बोला है इन्होंने कि हमें वेरीफाई करना है कि डी मिड पॉइंट है ए जी का कि नहीं है। एक इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे लाइन नंबर लाइन दिया हुआ है और उसमें 0 से लेके 7 तक नंबर्स लिखे हैं और ए बी सी डी ई एफ जी ये लेटर्स लिखे हैं, तो इन्होंने बोला है कि डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ए जी की लेंथ निकालेंगे, ए जी की लेंथ कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए डी की लेंथ कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर, और डी जी की लेंथ कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर, यानी डी से पहले भी 3 सेंटीमीटर है और डी के बाद भी 3 सेंटीमीटर है, यानी डी कहाँ पर है, बीच में, तो हम लिखे हैंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन 6 इन्होंने बोला है कि इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी
एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, इसमें ए सी के बीच में बी है और बी डी के बीच में सी है। बी किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। सी किसका मिड पॉइंट है? बी डी का। तो फिर हमें ये चेक करना है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये बोला है चेक करने के लिए, बहुत इजी है। बी मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? बी ए सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि वो बीच में है, यानी जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ बी सी की होगी, यानी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी सी। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि सी जो है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सी किसका मिड पॉइंट है? बी डी की, यानी सी जो है वो बी और डी के बीच में है, ठीक है। तो बीच में है तो बी से सी की डिस्टेंस और सी से डी की डिस्टेंस बराबर होगी, बी सी इक्वल टू सी डी आ जाएगा। तो पहले हमने क्या देखा था कि ए बी और बी सी बराबर है, और बाद में हमने क्या देखा है? बी सी और सी डी बराबर है। तो फिर ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों ही बी सी के बराबर हैं। ए बी इक्वल टू बी सी भी है और सी डी इक्वल टू बी सी है, दोनों ए बी और सी डी दोनों ही बी सी के इक्वल हैं, इसलिए वो दोनों आपस में बराबर होंगे। नहीं आ रहा समझ में? जैसे मान लीजिए ए की हाइट बी के बराबर है और सी की हाइट भी बी के बराबर है, तो ए की हाइट और सी की हाइट बराबर होगी नहीं होगी? वही चीज़ हमने किया है, जो बीच में बी सी लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ ए बी के बराबर है और बी सी की लेंथ जो है वो सी डी के लेंथ के बराबर है, यानी ए बी और सी डी दोनों की लेंथ जो है बी सी की लेंथ के बराबर है। तो यानी ए बी और सी डी आपस में इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको इस तरह से करना है, आई होप समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो इसको दो तीन बार देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपने आप ही करना है, आपका होमवर्क है यही एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।